तो सारे नगर दिलदार राम राम, हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वीडियो शुरू करने से पहले आज का सवाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड ऐसा है जो अपने फोन की मार्केटिंग जो है वो यार मतलब जबरदस्त तरीके से करता है। ऊपर आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे, ऊपर पोल मिल जाएगा, जी हाँ, सैमसंग, शाओमी, ऑनर या फिर रियलमी, तो ऊपर पोल जरूर करना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेसिकली तीन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। पहले Realme 3 Pro के बारे में बात करेंगे, जी हाँ 22 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है। उसके अलावा कुछ ऑफिशियल टीजर्स और कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो निकल कर सामने आई है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफी जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों Realme ने हमें एक डब्बा भेजा, भाई देखते हैं इस डब्बे के अंदर क्या है। और तीसरी जो बात है वो हमारे चैनल पर एक गिवअवे चल रहा था, उसको हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, जी हाँ, एक फोन का, क्योंकि वो किसी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, लाइक का टारगेट रखते हैं 1500 का। और अगर अभी तक आपने स्वैगन टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं Realme 3 Pro की ही। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन बन चुका है ये। अभी से इसकी हाइप जो है यार मतलब कमाल की है, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये फोन जो है ये मार्केट को हिलाने वाला है। तो दोस्तों 22 तारीख को ये फोन लॉन्च होने वाला है, 22 अप्रैल को कंफर्म हो चुका है, 12:30 बजे इसका लॉन्च इवेंट है। उसके अलावा यहाँ पर सरप्राइज ये है कि यहाँ पर आपको दो डिवाइस जो है वो लॉन्च होते दिखाई देंगे, जैसे कि Realme 2 Pro के साथ Realme C1 लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर मानव सेठ ने बोला है कि यहाँ पर दो डिवाइस होंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर Realme 3 Pro के साथ Realme C2 लॉन्च हो जाए, और U2 के भी चांसेस हैं, लेकिन U2 शायद जो है मई में लॉन्च हो। आपको क्या लगता है कि Realme 3 Pro के साथ कौन सा डिवाइस लॉन्च होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर ऑफिशियल टीजर पिक्चर सामने आई है, तो यहाँ पर स्पीड को जो है वो मेन फोकस किया गया है, जी हाँ। तो यहाँ पर आपको एक मतलब बहुत ही स्पीड दमदार प्रोसेसर यानी कि पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है। जैसे कि एक पिक्चर में यहाँ पर आपने देखा भी था कि फोर्टनाइट जो है इस फोन में प्ले की जा सकती है, जबकि साथ में Redmi Note 7 Pro पड़ा है और यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं करता है। तो सीधा सीधा टारगेट इनका Redmi Note 7 Pro है, और यहाँ पर क्योंकि फोर्टनाइट सपोर्ट करता है, स्नैपड्रैगन 710 आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 700 सीरीज सपोर्ट करती है फोर्टनाइट को। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको सुपरबुक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो चार्जर है वो भी इन द बॉक्स मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भाई आपको चार्जर जो है मतलब बाहर से परचेज करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एंड्रॉइड पाई आपको इन द बॉक्स मिलेगा, कलर ओएस 6 पर रन करेगा। उसके अलावा एक और यार इन्होंने हाईलाइट बनाई है चीज, एस यहाँ पर किस लिए है, स्पीड को छोड़ दीजिए, स्नैपड्रैगन 710 को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर बचते हैं सुपरबुक या फिर सुपर एमोलेड। आपको क्या लगता है कि यार ये एस किस चीज के लिए यहाँ पर यूज किया गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भी कोई अपडेट जैसी सामने आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। एक और चीज यार, यहाँ पर आपको ग्लास प्रोटेक्शन जो है शायद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 या 6 की देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं यार इस सरप्राइज की के हमारे पास क्या आया है, तो इसको यार चलिए ओपन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये है फोन भाई, जी हाँ, ब्लू कलर का भी और फेरी गोल्ड का भी। यहाँ पर एम्बिशियस ब्लैक जो है वो कलर आया है यहाँ पर। और इस फोन की कुछ खास बातें हैं, तीन ऐसी खास बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ कमी भी है इस फोन की जो मैं आपको शेयर करूंगा यार इस वीडियो में, ऐसी बात नहीं कि अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जो चीज है तो है, जो नहीं है तो नहीं है भाई। तो यहाँ पर जो ये जो वर्जन है ये 3GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला। अगर आप डेट देखते हैं तो अप्रैल की मैन्युफैक्चरिंग डेट है यहाँ पर, चेक कर आप देखते हैं यहाँ पर डेट जो लिखी गई है। उसके अलावा चलिए वैसे तो इसकी अनबॉक्सिंग हम कर चुके हैं Realme U1 की, सभी के सभी सेम कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन चलिए यहाँ पर हमने जो है गोल्ड और ब्लू कलर की अनबॉक्सिंग करी थी, तो आज भाई ये जो तीसरा कलर है ब्लैक वाला इसको भी हम खोल लेते हैं। तो मेन तो हमारा डिवाइस है, बाकी अगर आप पूरी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो भाई Realme U1 की अनबॉक्सिंग का कार्ड आपको ऊपर मिल जाएगा, और U1 के सभी जो वीडियोस हैं, टेस्ट हैं, स्पीड टेस्ट वगैरह है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भाई ब्लैक कलर हमें कैसा दिखाई देता है। ब्लैक जो है यार मतलब एक डिसेंट सा कलर है, मैं आपको इसे बताऊं, एवरग्रीन कलर है, ब्लू गोल्ड ये आते जाते रहेंगे, लेकिन ब्लैक जो है वो एवरग्रीन रहेगा, तो देखने में तो काफी प्रीमियम है भाई। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इस फोन की कुछ खास चीजों की, क्योंकि मैंने Realme U1 काफी टाइम से यूज किया है भाई, यहाँ पर जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है ना वो कमाल का मिलता है, क्योंकि प्राइसिंग भी इसकी 10,000 के आसपास है, तो 10,000 के आसपास में आपको नॉर्मली 3GB 32GB वाले फोन ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 3GB 64GB वाला वेरियंट जो है ये नया लॉन्च किया है, लास्ट वीक लॉन्च किया इन्होंने,
और यहाँ पर उसके अलावा आपको जो है 25 मेगापिक्सल का फ्लैगशिप सेंसर देखने को मिलता है फ्रंट कैमरा, अगर मैं सेल्फी कैमरे की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको यार मतलब कमाल की सेल्फी देकर देगा। यानी कि अगर आप 10,000 में कोई सेल्फी सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस भी बहुत गजब की हो, तो यहाँ पर रियलमी यू वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। उसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ड्यू ड्रॉप नोच मिल जाती है। चलिए इसको हम बूट कर लेते हैं, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितनी स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो मिलता है एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, अभी मैंने इसको मतलब नेट से कनेक्ट नहीं किया, अपडेट वगैरह आ जाएगा। कलर वाइज भी आपको 5.2 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा 48.2 GB स्टोरेज आपको देखने को मिल रही है, और सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करूँ तो मार्च 2019 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा UI जो है वो सेम देखने को मिलता है जो आपको रियलमी U1 में देखने को मिलता था। बैटरी 3500 mAh की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिस जो मुझे इस फोन के अंदर एक कमी लगी है छोटी सी। वैसे तो सब कुछ बढ़िया देखा भाई, लेकिन यहाँ पर अगर मतलब फास्ट चार्जिंग होती तो मतलब मजा आ जाता है इस फोन में। लेकिन अभी भी अगर आप एक डिसेंट बहुत ही बढ़िया सेल्फी वाला और एक पावरफुल प्रोसेसर AI कैपेबिलिटी वाला ढूंढ रहे हैं तो ये फोन जो है ये आपको मिल सकता है। और तो मेरे हिसाब से मतलब इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और मतलब ऑलराउंडर फोन जो है वो U1 डेफिनेटली है। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं हम चैनल की अपडेट्स की। तो पिछले कुछ टाइम से यार मैं काफी बिजी चल रहा था अपने कुछ प्रोजेक्ट को लेकर, यानी कि ऑफिस के प्रोजेक्ट को लेकर। तो वीडियोस जो है वो यार आपको 3-4 दिन के बाद मिल रही थी, लेकिन अब जो है आपको ऑलमोस्ट रेगुलर वीडियोस देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर Realme 3 Pro तो नहीं भाई, Realme 3 Pro नाम बार बार आ रहा है। Realme 3 का गिव अवे किया था हमने वहां पर, मतलब जो हमने टारगेट सेट किया था कि हमारे 2,00,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए 31 मार्च तक, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। आपने बहुत साथ दिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसको हम मतलब कंटिन्यू करेंगे, यानी कि दोबारा उस फोन का या किसी और फोन का डेफिनेटली आपको जो है गिव अवे देखने को मिलेगा जब हम Realme 3 Pro की अनबॉक्सिंग करेंगे। और इस बार जो है टारगेट यार मैं नहीं सेट करूंगा, आप लोग सेट करोगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर लाइक्स का टारगेट रखेंगे, सब्सक्राइबर्स का नहीं रखेंगे। तो ऊपर आपको एक पोल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर सेट करना है 2000 लाइक्स, 5000, 10000 या 20000, या आपको चार ऑप्शन जो है वो मिलेंगे। जो आप कहोगे वही टारगेट हम उसको सेलेक्ट करेंगे, वही सेट करेंगे। तो ये था गिव अवे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।